जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि चेक करो, बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी में? तो अभी कैसे ये देखिए, ब्राह्मण इसमें पुरुषार्थ करते हैं, अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं, तो इसमें कुछ न कुछ माया के व्यक्ति वस्तु सो परिस्थिति के भी पेपर्स आते रहते हैं। तो अभी कैसे हमें पता चले कि ये हम इस युद्ध करते रहेंगे, ये युद्ध के संस्कार हम बार बार क्षत्रिय बनते हैं, या तो हम माया के पेपर में अभी सूर्यवंशी में करते हैं? तो ये थोड़ा क्लियर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो डॉक्टर जी। ना जी आप बोलिए भाई जी। जी आप बोलिए भाई जी। हाँ जी, तो कैसा है कि पेपर्स तो हमारे संगम युग में अंत तक आएंगे, पेपर्स तो कम नहीं है, लेकिन जो युद्ध करता है, जो युद्ध करता है वो पेपर्स के साथ, मतलब जैसे पेपर आते हैं तो पेपर उसको बोझ लगेगा, या फिर वो फाइट करेगा कि मैं इसमें विजय प्राप्त करूं, या फिर वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन जो विजय ब्राह्मण होगा वो ये नहीं करेगा, उसको पेपर्स नहीं लगेंगे, वो उसे एक प्रकार से खेल समझकर आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे बताते हैं ना, श्री राम के हाथ में धनुष दिखाते हैं कि अंत तक लड़ रहा है, लेकिन जो विजय होते हैं वो लड़ेंगे नहीं, उन्हें पेपर्स एक प्रकार से खेल लगेगा, तो इसलिए उनको पेपर्स लगेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखते हैं, जैसे दादी है, दादी जानकी जी या फिर दादी गुलजार, अंत के समय पर हम देखते हैं कि जैसे दादी गुलजार भी हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनके ऊपर शरीर पर जो भी काम कर रहे थे उनका, उन्हें ना तो दर्द हो रहा था, ना ही उनको उसके ऊपर कुछ, उनका स्थिति ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ली थी उन चीजों पर, इसलिए वो कोई उसमें नहीं आएंगे, जो बोलते हैं ना क्षत्रिय के, इसमें नहीं आएंगे। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, आज भी बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अगर क्षत्रिय है तो बाबा से शक्ति की भीख मांगते रहेंगे, तो जो बाबा से शक्तियों की भीख मांगते रहेंगे तो बाबा क्षत्रिय हुए ना, तो ये भी बात आज की मुरली में बाबा ने बताई। और बाबा ने आज कहा कि जैसे बाप, टीचर और सदगुरु, ये रूप बाबा के याद रहते हैं, उसी प्रकार अपने भी तीनों स्वरूप सदा याद रखना, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, इसे कभी भूलना नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जैसे ब्राह्मण जीवन में व्यक्ति से पेपर आते हैं, वस्तु से पेपर आते हैं और संबंध संपर्क में, तो ऐसा होता है कि हम लोग जैसे संबंध संपर्क में आते हैं तो किसी से अगर हमारा बातचीत इस तरह हो गई कि मन मुटाव हो गया, या फिर हमारे जैसा हम चाहते हमारे अनुरूप उन्होंने बातचीत नहीं की, तो क्या होता है कि हम जब भी जैसे वापस अपनी जगह आते हैं फिर हमारे मन में वही ख्याल चलते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने वैसा क्यों कर दिया, या मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा था। ये सारा दिन कभी कभी इसमें फुल स्टॉप लगता ही नहीं, बिंदु नहीं लगता। तो ये जो युद्ध के संस्कार है कि ऐसे कर लेते हैं, फिर क्या होता है रात में भी सोते सोते और जब योग करने बैठेंगे तभी भी वही विचार चलने लगेंगे, तो इसमें वो बहुत लंबा, जितना लंबा खिंचता चला जाता वही युद्ध के संस्कार बनते हैं। तो अगर जितनी जल्दी बिंदु लगा दें
तो बाबा कहेंगे कि बिंदु लगाओ, तो फिर बिंदु बन बिंदु लगाओ, तो वो विजय के संस्कार की कोई परिस्थिति आई या कोई पेपर आया, मैंने विजय लगा के, मैंने बिंदु लगा के उस पर विजय प्राप्त की, तो ये होगा खुद में भी खुशी होगी कि हाँ मैंने पार कर लिया, तो वो विजय के संस्कार। अगर वो चलता रहा और सुबह अमृत वेला भी वही बात बार बार दिमाग में आ रही दिमाग में आ रही, तो फिर वो बिंदु नहीं लगी और फिर वो युद्ध वाले संस्कार हो जाते। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति। ये बहन ने कहा ना अभी बिंदु लगाओ, फिर साथ में ये सोच सकते हैं कि अगर मैं ऐसे सोचो कि ड्रामा जो है कल्याणकारी है तो इसमें जरूर मेरा कुछ कल्याण है, तो मुझे उसमें सब्र रखनी है कि आगे क्या होगा। ड्रामा पर ज्ञान पर पूरा निश्चय हो हमारा कि ये पेपर है तो मुझे आगे बढ़ाने आया है। ऐसे नहीं समझना है कि मुश्किल है, मेरे मार्ग में विघ्न है, नहीं ये मेरी उन्नति का साधन है। ऐसे पॉजिटिव तरीके से सोचते है ना तो फिर पेपर पेपर नहीं लगता है, हम आगे बढ़ते है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक बड़ा ही अच्छा वर्स दिया है, करान करावर हार। जो भी हम करते हैं वो सब हम नहीं करते, बाबा ही करते हैं। इससे हम भान और अभिमान को मिटा देता है वो, और सदा करण करण हर की स्मृति से समर्थ बन हम परीक्षा बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शारदा बेन जी आपने हैंड रेस किया था, आप बोल सकते हैं। ठीक है रीना बहन जी आप बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। ओम शांति। मैं ना युद्ध के संस्कार के ऊपर अपना कल का अनुभव बताना चाहूंगी। कल मेरे सामने कोई परिस्थिति आई तो मतलब बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे थे, रात को सोते वक्त भी चल रहे थे। फिर सुबह जब मैं अमृत वेला उठी तो मुझे लगा कि अब योग तो योग में भी यही परेशानी होगी। मैंने उठते ही पहले बाबा को लिख कर दे दिए, सब जो भी थे सब खाली हो गई। खाली होने के बाद फिर धीरे धीरे मेरा इतना अच्छा योग लगा और बहुत अच्छा अमृत वेला हुआ। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। बोलिए शारदा बहन जी। ठीक है नारायण भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बताया है तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन में के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हैं हो तभी पवित्र भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए और दूसरे देवता अर्थात देने वाले देवता नहीं लेकिन देवता, तो मास्टर दाता हो या कभी देवता कभी देवता, चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कभी श्रृंगार भूल जाता है। कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखा की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, बाबा ने कहा परखते को परखने की शक्ति तो है ना। माया है या बाप है इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं है। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परखने कर स्वयं को बचा लेता है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। तो मैं माया के बारे में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसी के बारे में मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ। क्या हुआ, बाबा ने कहा है लौकिक को भी संभलना है, तो अब अगस्त 20 से मुझे बहुत परीक्षा आ रही थी यानी वो करना ही था। लॉकडाउन का टाइम था, लड़की प्रेग्नेंट थी और वो उनका कैंटीन वगैरह भी बंद था और उनका उसका जॉब ऐसा है वो कभी कभी सुबह 6 बजे जाना पड़ता है, वो 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। तो वो उसको तबीयत का ख्याल रखने के लिए मुझे वहाँ, और वहाँ इंटरनेट नहीं था यानी वहाँ मुझे मुरली भी कभी कभी दोपहर को मिलती थी, अभी भी सो में पढ़ती थी। तो इंटरनेट की वजह से मैं हमारे क्लब में भी कोई भी जूम क्लास भी नहीं सुन सकती थी, लेकिन सिर्फ मन में बाबा बाबा कहती थी और बाबा को कहती थी बाबा मैंने मेरा हाथ कभी मत छोड़ना आप। और ऐसा लग रहा था शायद मेरा ये पूरा साल तो गया, अभी अगस्त तक तो जाएगा, तो लेकिन बाबा इतना ख्याल रखता है कि मेरी वो जिम्मेदारी जो अगस्त तक मैंने सोची थी वो अभी बहुत हल्की हो गई। और अभी ये 3-4 दिन से तो मेरा पूरा जैसा पहले वाला मेरा ये चल रहा था, पुरुषार्थ चल रहा था, बाबा करवा के ले रहा था, मैं नहीं कर सकती थी, तो वैसा शुरू हुआ है। तो अगर हमारी साल भर भी परीक्षा चलती है लेकिन हमारे मन में सिर्फ बाबा है, बाबा हमें जरूर टाइम देता है और पुरुषार्थ करने का टाइम देता है और हमसे करवा के लेता है। सिर्फ हमें निश्चय रखना है कि हम ही वो विजयी आत्मा है और स्वयं भगवान मेरा साथ दे रहा है, तो हम जरूर उसमें पास होते हैं। ओम शांति जी। बहुत अच्छा, अभी समय भी हो रहा है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, तो समय को देखते हुए हम शेयरिंग बफर डे पे ले सकते हैं, जो भी जिनका रह गया। आज शेयरिंग का टाइम थोड़ा कम था, मुरली थोड़ा बड़ा था, तो अभी मैं सुप्रिया दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो योग कराएंगे। ओम शांति। मैं संगम युगी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान मैं महान सौभाग्यशाली जो परमात्मा ने मुझे कोटों में कोई और कोई में से चुना है। मैं ब्राह्मण सदा विजयी सदा ताज तिलक और तख्तधारी मैं ब्राह्मण परमात्मा की दिल तख्त नशीन मैं फरिश्ता डबल लाइट कोई भी बोझा नहीं, बहुत हल्का
न देह भान, न देह अभिमान का बोझा, इन दोनों से परे रहने वाली मैं फरिश्ता सदा करण करावन हार के स्मृति से स्वयं को सदा लाइट रखती हूँ। मैं देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक मैं देवता सदा दैवी गुणों से श्रृंगारी हुई मैं देवता सदा देने वाली दाता मैं परम पवित्र शुक्रिया बाबा ओम शांति थैंक्स सिद्धि जी। तो आज के लिए हम यही होमवर्क लेते हैं जैसे बाबा ने बताया है कि हमारा जो स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, तो आज हम इसी ड्रिल में रहेंगे। जैसे बाबा ने बताया है कि फरिश्तेपन का मतलब है हमारा सूक्ष्म अभिमान भी ना हो। तो चेक करेंगे हमारे अंदर कहीं सूक्ष्म देह का अभिमान तो नहीं है, जो जो बाबा ने बताया ना बुद्धि का, संस्कार का, अच्छे स्वभाव का। तो बाबा ने कहा ये जो अभिमान है देह का, ये बहुत महीन है। तो हमें क्या करना है, बाबा ने उसका भी बताया कि करण करावन हार की स्मृति में रहो। तो आज हम बार बार अपने दोनों स्वरूप को इमर्ज करेंगे, अपना डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप और सर्वगुण संपन्न दिव्य गुणों से संपन्न देवता स्वरूप। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता हूँ। तो कम से कम 8 बार आज हम ये ड्रिल करेंगे बार बार, एक एक मिनट के लिए। ठीक है, तो सभी को थैंक्स, कल फिर मिलेंगे। अभी हमारा 3-in-1 स्वरूप है ना दीदी, 3-in-1 जैसे बाबा का 3-in-1 है वैसे हमारा भी 3-in-1 बाबा ने बताया। बाप टीचर सतगुरु ब्राह्मण फरिश्ता देवता, तो हम 3-in-1। So, Om Shanti. Have a nice day. Om Shanti. Thank you, everyone. Good day, all tapas. Good day. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Have a good day. Shanti.